Hi everyone, we are doing ratios. Two lectures are already delivered and this is the third lecture of ratios, right? Now we will do increase or decrease in a ratio. Increase or decrease kya hota hai ratio mein? Agar ratio A is to B hai, right? Aur usme increase ho raha hai ya decrease ho raha hai us quantity mein, to jo new quantity aayegi wo kiske equal hogi? B over A the original quantity. हमारे पास जैसे रेशियो ए इज टू बी होगी तो हम इंटरचेंज कर देंगे, बी ए ओवर बी है तो इसको क्या बना देंगे, बी ओवर ए द ओरिजिनल क्वांटिटी, राइट। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज द बस फेयर बिटवीन टू सिटर्स इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। फाइंड द इंक्रीज इन फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर इज रुपीज 245। अब कह रहे हैं कि दो सिटीज़ के बीच में जो फेयर है, किराया है, वो इंक्रीज हुआ है किस रेशो में, 7:9 में। हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है फाइंड द इंक्रीज इन फेयर। इंक्रीज अगर फेयर हुआ है, इफ द ओरिजिनल फेयर, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ओरिजिनल फेयर 245 है, और दूसरे पार्ट में हमें गिवन है इंक्रीज फेयर, राइट। ये हमें सॉल्व करना है। हमने पहले लिख लिया हमें क्या रेशियो गिवन है, 7:9। हमें वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, कि हमें फॉर्मूला पता है, न्यू बस फेयर इज इक्वल टू 9/7। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 7:9 रेशियो थी 7/9, तो हमने 9/7 कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, 9/7 द ओरिजिनल बस फेयर। अब आपको ओरिजिनल बस फेयर तो फर्स्ट पार्ट में पता ही है कितना है, 245, तो इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो आंसर इज ₹315। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी फॉर्मूला यही यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज्ड और न्यू बस फेयर इज इक्वल टू 9/7 ओरिजिनल बस फेयर, राइट। अब इस पार्ट में हमें न्यू बस फेयर हमारे पास है कितना है, और इंक्रीज्ड बस फेयर है 207। 207 इज इक्वल टू 9/7, सेम आएगा ओरिजिनल बस फेयर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई, और 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस बिकम्स ओरिजिनल बस फेयर इज इक्वल टू 207 इंटू 7/9। आप इसको सॉल्व करिए, 9 2 18, 9 3 27, 23 × 7, सो दिस इज ₹161। देयरफॉर इंक्रीज्ड फेयर कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें बताना है। ₹207 माइनस ₹161, इसको सब्ट्रैक्शन करके आंसर इज ₹46। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 126 किलोग्राम ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 5:2, राइट, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में, इस 126 किलोग्राम मिक्सचर में हम कितना पानी, कितना वाटर और ऐड करें ताकि रेशियो 3:2 हो जाए, आपको ये बताना है, राइट। पहले हमें टोटल मिक्सचर हम लिख सकते हैं, हमें क्या पता है वो हम लिख लेंगे। टोटल मिक्सचर क्या है, कितने किलोग्राम है, 126 किलोग्राम किसका है, वाटर, मिल्क एंड वाटर, या वाटर एंड मिल्क का। अब हमें रेशियो कैसे गिवन है, मिल्क इज टू वाटर की, इसको गलत नहीं लिखना है, वाटर इज टू मिल्क नहीं लिखना है, 5:2, राइट। अब हमने बताना है क्वांटिटी, मिल्क की कितनी क्वांटिटी है, ये हम पता कर सकते हैं। जब आप छोटे थे तो आप क्वेश्चंस करते थे रेशियो के, कैसे करते हैं, 5, अब हमारे पास मिल्क कितना है, 5 ओवर सम करते हो, 5 + 2 = 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल। अब इसको सॉल्व करिए, आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 90 किलोग्राम। तरीके से नहीं करना चाहता है तो इससे इजी वे है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मींस हमारे पास मिल्क आ गया 90, टोटल हमारे पास 126 था, सो क्वांटिटी of water is equal to 126 किलोग्राम माइनस 90 किलोग्राम, सेम आएगा बच्चे 36 किलोग्राम,
राइट right? अब हमें ये पता लग गया इतने किलोग्राम मिल्क है और इतने किलोग्राम वाटर है। अब हमें न्यू रेशियो क्या बोला है उसने कि न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए, 3:2 होनी चाहिए। अब हमें तो पता नहीं कितनी रेशियो है। अब उसने कहा कितना पानी ऐड करें, हम मान लेते हैं हम एक्स किलोग्राम, क्योंकि एक्स तो हम फाइंड करेंगे, लेट एक्स किलोग्राम मस्ट बी एडेड टू मेक 3:2। हमने एक्स किलोग्राम पानी ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 90 मेरे पास क्या थी, 90 मिल्क के लिए था और वाटर के लिए 36 केजी था। हमने वाटर में ऐड किया है तो हम 36 में ही एक्स को ऐड करेंगे। कैसे होगा, 90/36 प्लस एक्स, रेशो क्या बननी चाहिए, 3:2, और वी कैन राइट 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 90 × 2 180 इज इक्वल टू 3 × 36 प्लस एक्स। सॉल्व करिए, 180 इज इक्वल टू 108 प्लस 3x, दिस इम्प्लाइज 3x ऐसे ही रहेगा, 180 में से 108 कॉन्स्टेंट्स हमने लग कर लिए हैं, वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए हैं, दिस इज इक्वल टू 72, दिस इम्प्लाइज x हमारे पास क्या आ गया, 72/3 = 24। सो x कितना आ गया, 24 किलोग्राम, मीन्स कितना पानी ऐड करेगा वो, 24 किलोग्राम अगर वाटर ऐड होएगा तो रेशो क्या बनेगी, 3:2। यू कैन राइट इन द एंड दैट 24 किलोग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक रेशो 3:2। नाउ 10th क्वेश्चन इज, इफ ए इज टू बी इज 3/4 एंड बी इज टू सी इज 6:7, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड ए रेशो सी, राइट। नॉट सोल्यूशन जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, ए ओवर बी कितना है, 3/4, देन हमें बी ओवर सी कितना गिवन है, 6/7। अब आपके पास बी कॉमन में होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हम जैसे लाइक फ्रैक्शंस में करते थे उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे भी आपको पता है कॉमन क्या है, आपके पास बी, बी क्या है, 4b और 6b है, हम दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे 4 और 6 का, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, देन 2 × 1 = 2, देन 3 × 1 = 3। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 2 × 2 × 3 = 12। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 12 बनाना है बी में, 4 × 3 = 12 होता है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी न्यूमिरेटर को भी 3 से करेंगे, 9 हो जाएगा। सिमिलरली 6/7 है हमारे पास, हमने बी में 12 बनाना है, तो 6 × 2 = 12, 12 हो गया, पर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी चाहिए, 7 × 2 = 14, तो क्या आ गया, 9/12, 12/14, बी कॉमन, दोनों में 12 हो गया, राइट। तो देयरफॉर a:b:c आंसर क्या आ गया, 9:12:14। आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड a/c। अब हमें a/c बनाना है, अब हमने पढ़ा हुआ है a/c चाहिए, मतलब हमारे पास b मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और b से ही डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया तो a/c को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, a/c का a/c रहेगा, तो हमारे पास a/b की वैल्यू भी है, b/c की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर से देखिए, जैसे आप करते हो 1 × 2 = 2 × 3, 1 × 3 होता है, 1 × 2 = 2 × 3, 1 × 2 = 2 × 3, तो ये होता है 1 × 3। यही हमने इसमें किया, a:b, b:c, ABC में भी सेम फंडा लगेगा, a:b, b:c, ये क्या बन जाएगा, a:c। ओ ये देखिए, अब a/b की वैल्यू क्या है बच्चे, 3/4, आप यहाँ पे पुट करोगे, into b/c की वैल्यू 6/7, सो रेशियो क्या आ गई, 9:14। अब इसका बी पार्ट भी गिवन है हमें, दैट इज समवट डिफरेंट। बी पार्ट इज, नाउ सी, इफ a:b = 2:5, a:c = 3:4, फाइंड a:b = c। अब ये बात आपको लर्न रखती है, जब भी आपने रेशोस को, तीन रेशोस को कंपेयर करना है, जो है आपके पास फर्स्ट रेशो की सेकेंड टर्म, राइट, कॉन्सिक्वेंट जिसको बोलते हैं आप, या सेकेंड टर्म बोलते हैं,
और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म जिसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं इक्वल है आप उनको इक्वल बनाओगे, राइट। अब यहाँ पे है ए इज टू बी एंड ए इज टू सी। हमने जो पिछला सम किया था वहाँ पे ए इज टू बी और बी इज टू सी था, जो फर्स्ट की फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म थी, दोनों बी बी थी, राइट, कॉमन थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो हम इसको करेंगे। अब ए इज टू बी है तो हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे बी इज टू ए में, राइट। हमें गिवन क्या है, ए इज टू बी विच इज इक्वल टू टू रेशियो फाइव, तब देयरफॉर बी इज टू ए क्या हो जाएगा, फाइव इज टू टू, राइट। अब हम इसको यूज करेंगे। सेकंड है मेरे पास ए इज टू सी, राइट, ये कितना है, थ्री इज टू फोर, ये इसी तरह से रहेगा। अब हमने क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम लेना होता है, राइट। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ कॉमन टर्म, टू एंड थ्री, थ्री टू द सिक्स, एलसीएम इज सिक्स। अब हमें सेम उसी पैटर्न पे करना है जैसे हमने पिछला सम किया था, बी ओवर ए फाइव ओवर टू। अब लाइक फ्रैक्शंस में जैसे हम चेंज करते हैं, अब टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि सिक्स आ जाए हमारे पास, टू थ्री जा तो न्यूमिनेटर में भी थ्री से मल्टीप्लाई होगा, फिफ्टीन ओवर सिक्स। अब यहाँ पे भी ऐसे ही, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करें कि सिक्स आ जाए, टू, देन डिनोमिनेटर में भी टू से ही होगा, फोर टू जा एट। अब हमारे पास देखिए ए दोनों में सेम आ गया है सिक्स, सो वी कैन राइट इट एज बी इज टू ए इज टू सी इज फिफ्टीन इज टू सिक्स इज टू एट। देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सिक्स इज टू फिफ्टीन इज टू एट। दिस इज आवर आंसर।